देवास सीएसपी अनिल सिंह राठौर के नेतृत्व में बड़ी उपलब्धि मिली। बीते दिनों सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उज्जैन रोड इटावा क्षेत्र में घटी घटना दिन दिहाड़े गुंडागर्दी की। पिछले दिनों एक व्यक्ति की सरेआम मारपीट करने के मामले में और रस्सी से हाथ पैर बांध के बाजार में मारपीट करते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जो पुलिस निरंतर गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है। देवास पुलिस ने गुंडागर्दी के उस दिल दहला देने वाले केस में करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें धारा 307 बलवा सहित अन्य धाराएं लगाई गई थी। उसी दिन कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने 4 से 5 आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार भी कर लिया था और मामले को लेकर उन आरोपियों का उस क्षेत्र में जुलूस निकाला था जहां पर उन्होंने मारपीट की थी। लेकिन मामले को लेकर जो मुख्य आरोपी राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसी क्षेत्र में उज्जैन रोड इटावा में पकड़े आरोपी का जुलूस निकाला ताकि आम लोग भय के माहौल से बाहर निकल सके, इसी को लेकर जुलूस निकाला गया। हालांकि मामले को लेकर एसपी अनिल सिंह राठौर जुलूस निकालने की बात से इनकार किया, वहीं अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि जो अब इटावा क्षेत्र में लोग अब इस भय के तनाव से मुक्त हो। इन्होंने उसको सीट का फोन होता है उसके मुंह पे रख के और उसको मार दिया, उसका छूट गया था। तो जूते का जो फोन था उसको पुलिस ने वर्क किया और आगे सीसीटीवी कैमरा में एक आदमी एक शुरुआत से ही, क्योंकि वो बॉडी 10 साल पुरानी थी और उस बॉडी की भी हालत काफ़ी ख़राब थी, शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि उसमें सुनने के अभी उससे अनमिल बात बनाया हुआ था और नशे के हालत में मिली थी। उसमें बॉडी जो भी 10-12 दिन पुरानी थी, सेकेंड टाइम जो मिली थी तो उसमें खत्म हो रही है। ये जूता जो है वो उसी व्यक्ति का है, ये कैसे पता लगा? क्योंकि उसके पास जो दूसरा जूता मिला ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।